हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्प में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मालूम है आपका जो एग्जाम है आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का, वो यहाँ पर 24 और 25 अगस्त की 8 शिफ्ट जो हो चुकी हैं उसमें आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और अब आपका जो है 21 अगस्त की जो आपकी 2 शिफ्ट में एग्जाम और रह गया है वो बाकी होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती। ओवरऑल लगभग हमें इसका रिव्यू मिल चुका है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, कैटेगरी वाइज क्या रहेगी, स्टेट वाइज क्या रहेगी, साथ ही साथ अब आपके कितने अटेम्प्ट होने चाहिए जिससे आप मेंस की तैयारी में अभी से लग जाओ, तो ये भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ बताएंगे कि लास्ट 3 साल के हम डाटा को एनालिसिस करेंगे, देखेंगे लास्ट 3 साल में कितनी वैकेंसी थी, कितना क्या कट ऑफ गया था अलग अलग कैटेगरी वाइज, और फिर उसके बेसिस पर इस साल का क्या सिनेरियो है उसके आधार पर आपको यहाँ पर कट ऑफ बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आईपीएस क्लर्क प्रीलिम्स लास्ट 3 ईयर का कट ऑफ ट्रेंड। सबसे पहले हम देख लेते हैं, देखिए बात कर ले 2023-24 की, तो 2023-24 में यहाँ पर आपका कितनी वैकेंसी थी, 4,545 वैकेंसी थी। देखिए यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले ये 4,045 वैकेंसी निकली थी, 48 के समथिंग निकली थी, फिर उसमें कुछ 500 के समथिंग कुछ वैकेंसी ऐड हुई थी। ठीक है, और फाइनल होते होते ही वैकेंसी में चेंजेस होता है, बट प्रीलिम्स से पहले जो वैकेंसी थी वो कुछ इस प्रकार थी, 4,545 वैकेंसी। ओके, चलिए यहाँ पर हम कट ऑफ देखें तो आंध्र प्रदेश का आपको दिख रहा होगा जनरल का 81.25 गया था। वहीं ओबीसी की बात करें, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बच्चों के द्वारा डाटा लिया जाता है, तो यहाँ डाटा को लेने में थोड़ी यहाँ पर अनियमितता दिखी जाती है। तो जिस कैटेगरी का है मैं आपको बता रहा हूँ और किस कैटेगरी का किस तरीके से निकालना हूँ आपको। ठीक है, तो ओबीसी का 50 गया था, असम का 79 गया था, बिहार का 78, ईडब्ल्यूएस का 78, देखिए लगभग सेम गया है, और एससी का 67.5 गया था। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे कि यूआर में अगर हम किसी भी स्टेट को उठा लें, मोस्ट ऑफ द स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो यूआर के कट ऑफ से जो ओबीसी हुआ वो तो लगभग सेम जाता है, 2-3 मार्क्स का गैप रहता है। ठीक है, वहीं एससी की बात कर ले तो एससी में जो गैप देखने को मिलता है हमें वो लेके 5 से लेकर 8 नंबर के बीच हो सकता है। वहीं एसटी की बात कर ले तो यूआर से गैप होता है वो 10 से लेकर 12 नंबर तक हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपके कट ऑफ के लिए कि जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे छत्तीसगढ़ में 77 गया है, तो अगर किन्हीं को ओबीसी का निकालना है तो या तो सेम मान लें या 75 के आसपास मान लें। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का भी वही सेम है कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी बराबर होते हैं। वहीं हम एससी की बात करें तो एससी का आप 70 के आसपास या 69 के आसपास मान सकते हैं। वहीं एसटी की बात करें तो आप इसका जो कट ऑफ है वो 66-67 के आसपास मान सकते हैं। ठीक है, चंडीगढ़ की बात करें 72, दिल्ली की 78.25। यहाँ पर देखिए ओबीसी का 76 मैंने बोला ना, 1-2 नंबर कम रहता है, और ईडब्ल्यूएस का लगभग सेम चला गया। ठीक है, ज़्यादा ही चला गया, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये जो वैकेंसी आपकी निकलती है वो आईपीएस क्लर्क की जो वैकेंसी होती है वो आपकी होती है स्टेट वाइज, है ना, स्टेट वाइज होती है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, किस स्टेट वाइज होती है और कैटेगरी वाइज होती है। इसमें क्या होता है, जैसे किसी स्टेट है, अब मान के चलिए दिल्ली में स्टेट है, तो यूआर भी होगा, ओबीसी भी होगा आपका, एससी भी होगा, एसटी भी होगा, ईडब्ल्यूएस भी होगा। तो हो सकता है कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 5 वैकेंसी रही हूँ, इसकी 25 वैकेंसी रही हूँ, ओबीसी वालों की यहाँ पर 20 वैकेंसी, एससी की यहाँ पर 10 वैकेंसी, एसटी की 8 वैकेंसी, इस तरीके से रहा हो। तो हो सकता है कि नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस के 5 पे हैं, यहाँ 25 के लिए फॉर्म भरा मान के चलिए 2,500 में, यहाँ 5 के लिए फॉर्म भर दिया आपके 3,000 लोगों ने। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसका जो कट ऑफ है वो हाई यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कम है तो हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा हमें जनरल की कैटेगरी में कंपैरिजन में कम देखने को मिले। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होता है, कभी कभी यहाँ पर कट ऑफ लगभग काफ़ी कम चला जाता है, या कभी कभी जनरल के ऊपर से भी हमें कट ऑफ देखने को मिलता है। तो सिनेरियो मैंने बता दिया कि क्या सिनेरियो रहता है, कि यहाँ पर वैकेंसी अलग अलग होती है। अगर वहाँ पर मान के चलिए 5 ही वैकेंसी हैं यूआर की ज़्यादा हैं, और कैंडिडेट अप्लाई करने वाले यूआर से ज़्यादा हैं, और 5 वैकेंसी यूआर के हम बराबर भी मान लें, तो बट वैकेंसी तो कम है, तो कहीं ना कहीं ये कट ऑफ पे इम्पैक्ट तो डालेगी, क्योंकि 5 वैकेंसी के लिए 2,500 और 25 वैकेंसी के लिए 2,500, तो कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सिनेरियो रहता है, आप ये मत सोचना कि कट ऑफ जनरल से ज़्यादा कैसे चलेगा, तो ये होता है सिनेरियो जनरल से ज़्यादा जाने का। ठीक है, ओके, चलिए गुजरात में 75.25, एससी का देखिए अब सेम चला गया गुजरात में, तो हो सकता है कि सिनेरियो वो रहा हो। ठीक है, एसटी का 64.5, ठीक है, लेकिन 8 से 9 नंबर के आसपास कम है। गोवा में देखिए 48.25 गया था, है ना, हिमाचल प्रदेश में 84 गया था, ओबीसी का देखिए 78, यहाँ पर देखिए ओबीसी का काफ़ी कम चला गया जनरल से, है ना, हरियाणा का आप देख सकते हैं 18.25, जम्मू एंड कश्मीर का 60, ईडब्ल्यूएस का 16.75, यहाँ देखिए फिर से ज़्यादा चला गया ईडब्ल्यूएस का, झारखंड 82.5, 78 मध्य प्रदेश का, एससी का 70 गया। ठीक है, एससी का ये
आगे गलत है, ठीक है। चलिए महाराष्ट्र का 72.75, एससी का देखिए 72, ईडब्ल्यूएस का लगभग सेम चला गया, वहाँ पर उड़ीसा का देखिए 86.5, ओबीसी का भी सेम चला गया, पंजाब में 81 है जनरल का, और ईडब्ल्यूएस 81, एससी का 69 चला गया, देखिए जो है ना कितना नंबर कम है आपका, क्योंकि तो काफ़ी ज़्यादा नंबर गैप है ना। राजस्थान में 82, एससी का 74 गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 8 नंबर का गैप है। कर्नाटक में 75.75, यहाँ पर देखिए लगभग सेम चला गया यहाँ पर, ठीक है। तेलंगाना में 78.5, यहाँ पर सेम चला गया। उत्तर प्रदेश में जनरल का 84 है ना, एससी का आप देख सकते हैं 69 है, ओबीसी का 78 है, और ईडब्ल्यूएस का 79.25 है, ओके। चलिए, क्योंकि यूपी में लगभग ज़्यादा वैकेंसी निकलती है हर बार, इसलिए उत्तराखंड में 87.25 है, वेस्ट बंगाल में 85.5 है, इस तरीके से आप जो देख सकते हैं एससी का 76.50 है, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ये हो गया आपका 2023-24 का, चलिए हम 22-23 का देख लेते हैं। 22-23 में कैसे नहीं रहा था, 22-23 की बात करें तो 6635 वैकेंसी थी, इसमें भी जो स्टार्टिंग में वैकेंसी थी वो 6035 थी, फिर बाद में ऐड हुई, ठीक है। बात कर ले यहाँ पर 2022-23 के कट ऑफ का क्या रहा था ट्रेंड, तो आप यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करेंगे और अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा इस वीडियो में, फिर वीडियो क्या होगा लंबा हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये आपका देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये 12314 वैकेंसी थी 2021 में, बट जब ये पहले वैकेंसी निकली थी तो 7800 के आसपास ये वैकेंसी निकली थी, ये फाइनल वैकेंसी थी, बट अब किसी ने प्रीलिम्स दिया था तो ये वैकेंसी थी, तो हम जो कट ऑफ मानेंगे वो 7800 के अराउंड मानेंगे, ठीक है। सॉरी 7800 को लेके हम यहाँ पर कट ऑफ मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कट ऑफ कितना वेरी कर रहा है, ठीक है। बात कर ले देखिए 2021 था, और यहाँ पर जो क्या था पेपर 21 और 22 में थोड़ा सा क्या आता था, ईजियर साइड रहता था पेपर, ठीक है, बच्चों के अटेम्प्ट भी काफ़ी होते थे तो ईजियर साइड आपका पेपर हमें देखने को मिलता था। बट क्या हुआ है कि 2023 से जो है आपका यहाँ पर पेपर में थोड़ा वेरिएशन देखने को मिले हैं, थोड़ी देखिए इस बार तो काफ़ी चेंजेस कर दिए, 2024 में तो काफ़ी हाई लेवल कर दिया, और 2023 के कंपैरिजन में 2022 के कंपैरिजन में 23 हायर था, ठीक है। तो भले ही वैकेंसी आपकी कम हो रही है बट लेवल बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से आपके जो कट ऑफ है उसको मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है ना, ये सिनेरियो रहता है, ओके। चलिए अब देखिए 2024 की हम एक्सपेक्टेड की बात कर लेते हैं, 2024 का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। लेवल की बात करूं तो 2023 के कंपैरिजन में, ठीक है, जिन भी हमने स्टूडेंट से बात की उन्होंने बोला है, उन्होंने लगातार वो 2-3 साल से पेपर दे रहा, तो उन्होंने बोला कि 2023 का हमें पेपर जो है यहाँ पर हार्ड देखने को मिला हुआ है। कौन कौन से सेक्शन हार्ड थे तो आपको बता दूँ, एक तो इंग्लिश का सेक्शन जो टफ देखने को मिला, दूसरा आपका रीजनिंग टफ देखने को हमें मिला, मैथ्स बच्चे बोल रहे थे कि ईजियर साइड हमें देखने को मिला, मतलब जैसा आता है वैसा था, बट इंग्लिश और रीजनिंग में कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर कुछ परसेंटेज का इजाफा देखने को मिला है हार्डनेस के मामले में, ठीक है। इस बार की जो वैकेंसी है 6128 वैकेंसी है अभी तक, ठीक है, अगर इसमें कुछ चेंजेस होंगे तो ये कट ऑफ वेरी कर सकती है प्रीलिम्स के रिजल्ट से पहले, ओके। चलिए अब देख लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, ठीक है, मैं बताऊंगा। देखिए अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो या तो सेम मान के चले ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से, या तो सेम मान के चले इसके अकॉर्डिंग, या 1 से 2 नंबर हार्डली 3 नंबर कम करके चलेंगे। वहीं अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो एससी से बिलोंग करते हैं 5 से 8 नंबर, और एसटी से बिलोंग करते हैं तो 8 से आप 12 नंबर तक कम यहाँ पर मान के चल सकते हैं। मैं आपको जनरल का बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपना देख लेंगे, ठीक है। आंध्र प्रदेश का 78 से 82 के बीच अगर आपके अटैम्प्ट है तो आप बिल्कुल यहाँ पर मतलब ये कट ऑफ जाएगा, तो अगर इसके क्योंकि आपके देखिए एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर अटैम्प्ट मैं काउंट करूँगा कि इतने आपके अटैम्प्ट हैं या इतना ही कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके अगर एग्जैक्ट यहाँ पर अटैम्प्ट होते हैं तभी आप इस एग्जाम में क्वालिफाई कर पाएंगे। एक गलती मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, 3 से ऊपर जाती है तो फिर वो नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पर आपको दिक्कत देता है, ठीक है। चलिए दिल्ली की बात करें 76 से 80, गुजरात की 75.25 है ना, 75.25 के आसपास देखने को मिल सकता है ना। इसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करें तो 75 से 79 के आसपास, चंडीगढ़ का 78 से 82 के बीच में, उड़ीसा का 84 से 88 के बीच में देखने को मिल सकता है, पंजाब का 79 से 83, गोवा का 46 से 50, हिमाचल का 82 से 86, हरियाणा का 77 से 81, जम्मू एंड कश्मीर का 83 से 87, झारखंड का 79 से 83 के बीच में, मध्य प्रदेश का 74 से 78 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। वहीं हम इसमें अगर एससी की बात करें तो लगभग आपको ये 68 या 69 के आसपास देखने को मिलेगा, वहीं एसटी की बात करें तो 65 से लेकर 67 के बीच देखने को मिल सकता है। ओबीसी की बात करें तो वहीं 72 या 73, ईडब्ल्यूएस का लगभग 70 यही सेम रहने वाला है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का, ओके। चलिए महाराष्ट्र का 70 से 74, महाराष्ट्र का देखिए यहाँ पर डबल हो गया है, त्रिपुरा का 76 से 80, उत्तर प्रदेश का 78 से 82 के बीच में, राजस्थान का 80 से 84 के बीच में, वेस्ट बंगाल का 83 से 87 के बीच में, आसाम का 76 से 80 के बीच में, कर्नाटका का 73 से 77 के बीच में, तेलंगाना का 76 से 80 के बीच में, और बिहार का 79 से 83 के बीच में, ये आपका कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर रहने वाला है। तो आपके इतने अटैम्प्ट हैं,
या इस कट ऑफ के बीच दो तीन निगेटिव काट के आपका आ रहा है तो आप बिल्कुल दो तीन ऊपर नीचे है तो भी चल जाएगा। तो आप बिल्कुल अभी से मेंस की तैयारी में लग जाइए, आपका सिलेक्शन यहाँ पर निश्चित होने वाला है, ठीक है। क्योंकि लेवल थोड़ा अप देखने को मिला है और वैकेंसी में अगर इंक्रीज होता है तो यहाँ पर आपको और बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।